तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से आज की एक नई सच्ची कहानी में। तो आज की कहानी सुनने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो के नीचे लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भूत प्रेत के किस्से सुनने में बेहद रोमांचक और दिलचस्प लगते हैं, लेकिन क्या हो जब ये किस्से सिर्फ किस्से न बनकर हकीकत बनकर हमारे सामने आए। आज की युवा पीढ़ी भूतों के होने पर विश्वास नहीं करती है, लेकिन आप जिस पर विश्वास नहीं करते हैं ये संभव तो नहीं है कि वो असल में हो ही ना। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी भूतिया जगह के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण खुद भूत ने किया था। राजस्थान के जोधपुर में स्थित बावड़ियों के किस्से बहुत ही मशहूर हैं। यहाँ पर पानी की बहुत सारी बावड़ी हैं, जिनमें से एक बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि यह बावड़ी खुद भूतों ने बनवाया था। जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर एक रठासी नाम का ऐतिहासिक गाँव है। इसी गाँव में वो बावड़ी स्थित है जिसको कहा जाता है कि यह बावड़ी भूतों के सहयोग से बनी है, अर्थात उस बावड़ी को बनने में भूतों ने गाँव वालों की सहायता की थी। ठाकुर जय सिंह के महल में स्थित इस बावड़ी को देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। इस बावड़ी के बारे में यह कहानी प्रचलित है कि जब ठाकुर जय सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रठासी गांव की ओर जा रहे थे, ठाकुर साहब का घोड़ा उनके साथ चल रहे सैनिकों से पीछे छूट जाता है और धीरे धीरे रात भी हो जाती है। ठाकुर जय सिंह का घोड़ा काफी ज्यादा थक चुका था और उसे प्यास भी लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देख कर ठाकुर जय सिंह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए वहाँ पे लेके गए। रात का समय था, जैसे ही ठाकुर जय सिंह का घोड़ा आगे बढ़ा तैसे ही ठाकुर जय सिंह को दिखाई दिया कि कोई वहाँ पे खड़ा है। राजा उस प्रेत को देख कर अचानक से डर गए। फिर उस प्रेत ने राजा से कहा कि मुझे प्यास लगी है, लेकिन श्राप के कारण मैं इस कुएं का पानी नहीं पी सकता हूँ। फिर राजा ने उस प्रेत को अपने हाथों से पानी पिलाया और फिर राजा की दयालुता को देखकर प्रेत ने राजा से कहा कि तुम जो भी मांगोगे मैं उस मांग को पूरी कर दूंगा। फिर राजा ने प्रेत से कहा कि तुम मेरे महल में एक बावड़ी का निर्माण करो जिससे मेरा राज्य और सुंदर हो जाए। प्रेत ने राजा के आदेश को स्वीकारते हुए कहा कि वो ये कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं करेगा, लेकिन उसने कहा कि दिन भर में जितना भी कार्य होगा रात्रि के समय में वह कार्य 100 गुना अपने आप बढ़ जाएगा। प्रेत ने राजा से कहा कि आप मुझे वादा करिए कि ये राज आप किसी को नहीं बताएंगे। इस घटना के बाद ही महल और बावड़ी की इमारतें बनना शुरू हो जाती हैं। रात्रि में पत्थर ठोकने की रहस्यमयी आवाजें आने लगी। दिन प्रतिदिन कार्य तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन रानी के जिद करने पर राजा ने यह राज अपनी रानी को बता दिया कि आखिर निर्माण इतनी जल्दी कैसे पूरा होता जा रहा है। जैसे ही यह रहस्य राजा ने रानी को बताया, बावड़ी और महल का कार्य वहीं पे ज्यों का त्यों रुक गया। इस घटना के बाद किसी ने भी उस बावड़ी और महल को दोबारा बनवाने की कोशिश नहीं की और तब से लेकर आज तक यह बावड़ी आज भी अधूरी बनी हुई है। इसीलिए इस स्थान को देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी दूसरी कहानी के साथ।